कि आदमी कहता है कि हम बच्चा छाट के लेंगे, हमको पहचान लेते हैं, पहचान आता है, वो सब गलत बात। डिपेंड करता है कैसे बच्चा मिल रहा है, मार्केट उसका भी होता है। हाँ, जय दिन के बच्चा लीजिएगा उसे देता है। अच्छा, जिस समय हद से निकलता है डायरेक्ट मिलेगा। हाँ, 27-28 रुपये, तो उसमें मोलिटी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मोटा अगर आपको 30,000 मतलब फीट का पड़ गया, 49,000 बच्चे का पड़ गया, मतलब ये 80,000 लगभग पड़ गया। और शेड बनाने में क्या खर्चा है? शेड में जो अपना पैसा लगाए हैं, कितने दिन में उनका रिकवर हो सकता है? रिकवर तो देखिए, अगर नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आज मैं आपको एक बतख के फार्म पे लाया हूं। यहां पर चूजा का रख रखाव किस तरह से होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहां 1100 चूजा रखा गया है, तो चलिए हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि किस तरह से इसका रख रखाव किया जाता है। पूरा प्रोसेस हम यहाँ के किसान से जानेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार यादव हुआ, ग्राम भवानीडी। आपने यहाँ चूजा कितना दिन पहले लाया था? हमने चूजा 11 दिन पहले लाया। 11 दिन पहले। आप इससे पहले से भी बतख फार्मिंग कर रहे हैं या फिर नया नया ही आप शुरुआत? नहीं, इससे पहले से कर रहे हैं। इससे पहले से कर रहे हैं। अच्छा, यह जो आप चूजा लाए हैं, तो लाए उस वक्त कितने दिन का था? लाए उस समय 8 दिन के बच्चा लाए थे। 8 दिन का, अभी 11 दिन लाए हुए हो गया। लाए दिन यानी 19 दिन का बच्चा है। 19 दिन का बच्चा हो गया। अच्छा, इसका रख रखाव, अगर हमारा कोई किसान भाई चूजा लाता है तो उसका रख रखाव किस तरह से करे, उसके बारे में बताइए। वो पहले तो क्या करे कि बढ़िया से नीचा साफ कर ले। नीचा साफ करने के बाद में जो है अपना थोड़ा फेनल उलल मार के, और क्या कीजिए कि उसके बाद में हल्का चूना मार के और ऊपर से कुनाई बिछा दीजिए। कुनाई बिछाने के बाद, कुनाई क्या चीज़ बोलते हैं? कुनाई जैसे कि सिमर उम्बर का, चाहे लकड़ी का, लकड़ी जो कटाता है उसका जो होता है कुनाई होता है। अच्छा अच्छा, उसका छिलका। अच्छा, वो अपना बिछा के और ऊपर से बच्चा छोड़ दीजिए। आपने बल्ब जला रखा है, बल्ब का क्या रोल है? बल्ब उसको टेम्परेचर चाहिए। दोस्तों, जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी 3 मार्च है आज, और अभी देख सकते हैं हालांकि उतना ठंड भी नहीं है, फिर भी इसमें बल्ब जलाया हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। गर्मी है तो थोड़ा चलेगा, गर्मी है तो अपना साइड से जो झाग उक लगा हुआ है, टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ज़्यादा गर्मी है तो साइड से अपना जो झाग उक लगा है ऊपर उठा दीजिए, और जो शाम हो तो अपना गिरा दीजिए। और साइड से जो पन्नी लगा हुआ है उसको उठा दें अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ज़्यादा टेम्परेचर है तो गर्मी में थोड़ा हवा लगना चाहिए। अच्छा विनय जी, यह जो बल्ब है कितने दिन इसमें जलाना पड़ता है? देखिए, बल्ब जब तक ये बाहर नहीं निकल जा रहा है बच्चा, जब तक अंदर रह रहा है तब तक बल्ब तो चाहिए ही चाहिए, हीटिंग इसको चाहिए ही चाहिए। अगर बाहर जा रहा है तो तब भी 2-4-5-10 दिन बच्चा थोड़ा हीटिंग चाहिए, क्योंकि वो भीग के आएगा, बच्चा है तो उसको हीटिंग चाहिए। अच्छा, हाँ। और फार्म सूखा हुआ होना चाहिए, फार्म गीला नहीं होना चाहिए। मतलब जो अति बीमारी आ रहा है उसके हिसाब से फार्म से ही बीमारी, मतलब जो फार्म ज़्यादा गीला हो रहा है, फार्म में ज़्यादा गंदगी हो रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा बीमारी होता है। अच्छा विनय जी, हमारे किसानों को एक बात बताइए, जैसे यह आप चूजा लिए हैं तो कितना दिन में यह अंडा देना शुरू करेगा? लोग तो कहते हैं ठीक ऐसे कीजिए, खस के खिलाइएगा तो 3 महीना में दे देगा, 3.5 महीना दे देता है, 4 महीना में दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडा आपको 4 महीना प्लस में ही देगा, 4.5 महीना 5 महीना पे अंडा देना शुरू। मतलब 4 महीना का हो जाएगा तभी देना शुरू? नहीं, 4.5 पौने 5 महीना पर आपको अंडा आना। 5 महीना पर ही देगा। अच्छा, उस शुरू में अंडा जो देता है उसका साइज थोड़ा छोटा रहता है या फिर एक ही? साइज थोड़ा छोटा रहता है, शुरू में देगा तो थोड़ा साइज छोटा रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे अपना बड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कितना दिन मतलब ये बच्चा का होने पर पूरा अच्छा से अंडा देना शुरू हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है? ज़्यादा दिक्कत नहीं, मतलब समझिए कि जब अंडा देना स्टार्ट कर दिया तो 10 से 15 दिन में आपको अंडा फ्रेश आना शुरू। अच्छा, मतलब जब देना शुरू किया उसके 10-15 दिन में पूरा मैच्योर हो जाएगा, पूरा एकदम फ्रेश अंडा आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यह इंडियन रनर चूजा है तो यह अंडा कितने दिन तक देगा? ये 3 साल तक अंडा देगा। 3 साल तक लगातार अंडा देगा। अगर बॉडी मेंटेन रख रहे हैं, इसका दवा उवा का ख्याल रख रहे हैं, हाँ। तो अंडा ये 4 साल तक देता है। 4 साल तक मिलेगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब बता का क्या करते हैं आप लोग? वो बिक जाता है। अच्छा, कटर में चल जाता है। कटिंग में चल जाता है। उस समय इसका क्या रेट मिलता है? उस समय हमारा वही मार्केट के हिसाब से जो मार्केट चलता है, कभी 150 मिल गया, 60 मिल गया, कभी 125 मिल गया। अच्छा, मतलब मार्केट के हिसाब से उसका रेट मिलता है। अच्छा, यह जो इंडियन रनर चूजा है यह कितना अंडा देता है साल में? पर साल में 280-85 करीब अंडा देता है। अच्छा, इसका वैक्सीन वगैरह भी इसमें दिया जाता है? वैक्सीन लगता है, जो वैक्सीन हम लगवा कर लाएंगे। अच्छा, वहाँ से लगा के आपको दिया गया था। इसको दाना और पानी किस तरह से आप देते हैं? पानी तो इसको क्या करते हैं, बाल्टी से अपना भर लाए, फीडर में रख के, और अच्छा वो जो गोल वाला फीडर है, ढक्कन लगा के और पलटी कर दीजिए। अच्छा, और दाना भी उसी में आप देते हैं? दाना, हाँ। अच्छा, प्री स्टार्टर अभी दाना दे रहे हैं। हाँ, प्री स्टार्टर कितना दिन देना पड़ता है? कम से कम 20 दिन। इसमें कितने तरह का दाना होता है इसके लिए? इसके लिए तो पहले प्री स्टार्टर, स्टार्टर, उसके बाद ग्लोबर चलेगा बस। तो मतलब प्री स्टार्टर कितने दिन चलता है? प्री स्टार्टर चलेगा 20 से 25 दिन। उसके बाद अथी स्टार्टर कितने दिन चलेगा? आपको स्टार्टर चलेगा वो तीनों मिला के जैसे 15 दिन चला दिए, 15 दिन चला दिए, 30 दिन हो गया। उसके बाद पानी में चले जाएगा, तो थोड़ा दिन 2-4-5 दिन फिर स्टार्टर दीजिए अपना, उसके बाद गोलोबर धान दे। आपने जब यह चूजा लिया था तो आपको कितना रुपया चूजा पड़ा था? हम चूजा तो 45 रुपये के लाए, 8 दिन के बच्चा था। अच्छा, 8 दिन का, मतलब दिन पर भी डिपेंड करता है कि कितना दिन का बच्चा है तो कितना रुपया? हाँ, दिन पर डिपेंड करता है। अगर हैज से निकाल के दे रहा है तो आदमी 27-28 रुपये दे देता है। अच्छा, जिस समय हैज से निकालता है डायरेक्ट मिलेगा तो 27-28 रुपये, तो उसमें मोलिटी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मोटा। अगर हाँ, अगर 7-8 दिन बच्चा रह गया तो दाना खा रहा है तो दाना कोस्ट तो उस पर ही जाएगा, और थोड़ा 7-8 दिन रख रहा है तो उसमें तो कुछ मोलिटी होना ही है, तो उसका खर्चा उसी पे चले जाता है। अच्छा, पूरा मतलब कॉस्ट काट के? पूरा कॉस्ट काट के वही 45 रुपये करीब हमको मिला अब इस समय से। अब अच्छा, मान लीजिए जैसे मैं कोई किसान बोलता है कि हम 15 दिन का बच्चा लेंगे, तो 15 दिन का बच्चा का क्या रेट पड़ता है? 15 दिन का बच्चा वही कॉस्ट अपना जोड़ के वही 55-60 रुपये करीब पड़ना चाहिए। अच्छा, 55-60 रुपये मिलेगा वो, मतलब जो 28 रुपये जो रेट बताया जाता है वो मतलब एक दिन का चूजे का? एक दिन का चूजे का। अच्छा, इसका खर्च के बारे में हमारे किसानों को ओवरव्यू बताइए कि इसमें शुरू से लेकर अंत तक क्या खर्च है और क्या प्रॉफिट है। देखिए, 1100 बच्चा है अभी, अंडा देने वक्त तक इसको कम से कम 2 से 2.25 लाख 2.5 लाख रुपये करीब खर्चा इस पर आ जाएगा। अच्छा, अंडा देने के वक्त तक 1100 बच्चे का। मतलब अगर कोई किसान भाई 1100 चूजा लेता है तो शुरू में उसको कितना खर्च पहले खरीदने का खर्च पड़ेगा? देखिए, 1100 बच्चा लेगा तो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बच्चा मिल रहा है, मार्केट उसका भी होता है। हाँ, जै दिन के बच्चा लीजिएगा उसका वो हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए 8 दिन का जैसे आप बच्चा लिए हैं, तो कोई किसान भाई 8 दिन का बच्चा लेता है 1100 बच्चा, उसके बारे में हमारे किसानों को बताइए शुरू से अंत तक। देखिए, हम तो फर्स्ट बार बच्चा लाए तो बच्चा 45 रुपये करीब पड़ा, 45 रुपये पड़ा तो वही 49,000 कुछ के ऐसे बच्चा पड़ा। 1100 बच्चा का 11,000 बच्चे का। और उसके बाद 15 बोरा दाना लाया तो 30,000 ऐसे कुछ पड़ा था, मोटा मोटी 80,000 रुपये करीब खर्चा इस पर अभी पड़े हुआ है। मतलब 15 बोरा ही आपको मतलब स्टार्टर का 30,000 रुपया पड़ा था। मतलब 1 बोरा का क्या कीमत लगभग होता है? 1 बोरा के अभी तो मार्केट में 2065 हमसे ले रहे हैं लोग। अच्छा, थोड़ा पैसा की दिक्कत है इसलिए मोट नहीं आ पा रहा है, तो अभी तो खुले समझिए कि चल रहा है, लेकिन अच्छा, मोट अच्छा। लेने पर थोड़ा कम पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब 15 बोरा का आपको 30,000 मतलब फीट का पड़ गया, 49,000 बच्चे का पड़ गया, मतलब ये 80,000 लगभग ये पड़ गया। और शेड बनाने में क्या खर्चा आया? शेड में देखिए, अगर अपना बांस है, अगर खरई अपना है तो 20 से 22 रुपया अगर लगा रहे हैं तो ऐसा शेड बन। अच्छा, 20 से 22,000 समझिए तो 1 लाख रुपया हुआ। 1 लाख मतलब 1100 बच्चा का पालने के लिए 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट चाहिए। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट चाहिए। अच्छा, इसके बाद तो आप फीड खरीद ही चुके हैं, उसी को बस खिलाते जाना है। मतलब एक ओवरव्यू है, तो 1 लाख से कोई किसान भाई स्टार्ट कर सकता है? हाँ, 1 लाख से स्टार्ट कर सकते। अच्छा, इसका इनकम कितने दिन बाद आना शुरू हो जाएगा? इनकम 4.5-5 महीने में आना शुरू हो जाएगा। 5.5 महीना में आना शुरू हो जाएगा। 5 महीना में 4.5 से 4.5-5 महीना में आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप जैसे फार्मिंग करते हैं तो आपको एक आइडिया होगा जैसे मैं कितने दिन में किसान जो अपना पैसा लगाए हैं कितने दिन में उनका रिकवर हो सकता है? रिकवर तो देखिए, अगर सही से अगर मोलिटी उलिटी नहीं हुआ तो अपना अगर सही से हो गया तो समझिए कि 3 से 4 महीने में कर देगा वो। मतलब जब बच्चा अंडा देना शुरू हुआ उसके 4 महीने में रिकवर हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। अच्छा, 4 महीने में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आता है उसका प्रॉफिट है। आपने जैसे बच्चा लाया है तो इसमें कितना परसेंट मेल और कितना परसेंट फीमेल लेते हैं? ये नहीं पता चलता है, ये तो सियाना होने पर ही पता चलता है। ये जो कोई आदमी कहता है कि हम बच्चा छांट के लेंगे, हमको पहचान लेते हैं, पहचान आता है, वो सब गलत बात है। किसी अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि 10% या 20% उसमें ना ना ना। हाँ, वो तो सियाना होने पर, जैसे कि ये बच्चा है, बच्चा जब पानी में चल जाएगा तो ये डेढ़ दो महीने में चिन्हा जाता है। अच्छा। तो अपना वो छाट लीजिए, मर्दाना छाट के बेच दीजिए और 15 से 20% रख लीजिए अपना। अच्छा अच्छा, मतलब सियाना होगा उसके बाद अति मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको बेच दीजिए। एक्स्ट्रा है उसको 15 से 20% मेल होना चाहिए। हाँ, 20% होना चाहिए। अच्छा विनय जी, ये जो चूजा हुआ आप दूसरे किसानों को भी देते हैं? हाँ, देते हैं। और कोई भी किसान भाइयों को अगर चूजा चाहिए 10 दिन 8 दिन जो भी अपना हो, जितना दिन के चाहिए वो अपना ब्लूडिंग करवा के ले सकते हैं। तो मेरा नंबर है 82-29-84-1597। आगे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो भी इन चैनल पर आएगा। हाँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, बतख पालन तो आप कर लेंगे पर अपना अंडा बेचेंगे कहाँ, इसकी पूरी जानकारी लेफ्ट वाले वीडियो में दी गई है। नहीं तो आप खाकी कमल बतख की पूरी जानकारी चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो देखें। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।